Good morning, students. Firstly, welcome to all of you in my YouTube channel. In my previous video, we have solved some problems of Maths, Chapter 9, Class 4th. The name of the chapter is Halves and Quarters. Now, in this video, we will solve the remaining problems of the same chapter. So, Ravi wants a pencil, it costs rupees 2. रवि क्या करना चाहता है एक पेंसिल को लेना चाहता है जिसकी कीमत कितनी है टू रुपीज गि वन रुपए कॉइन वो क्या देता है एक वन रुपए का कॉइन देता है वन हाफ का कॉइन और एक हाफ रुपए का कॉइन देता है एंड वन क्वार्टर रुपए का कॉइन देना है इज इट इनफ क्या हमने बताना है कि इतना सब कुछ देकर क्या वो टू इतना सब कुछ दे रहा है देकर वो उस पेंसिल को खरीद सकता है तो हम पहले निकालेंगे कि इन सब की वैल्यू क्या टू रुपीज के बराबर है अगर टू रुपीज के बराबर होगी तो वो इसको खरीद सकता है सो द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज द कॉस्ट ऑफ पेंसिल टू रुपीज और उसने दिए कितने हैं वन रुपए कॉइन वन जाएगा फिफ्टी पैसे क्या दिया है फिफ्टी पैसे. पैसे और एक क्या दिया है वन क्वार्टर रुपए कॉइन मतलब की वन रुपीज का क्वार्टर दिया है वन रुपीज में कितने पैसे होते हैं हंड्रेड पैसे तो हंड्रेड का क्वार्टर निकाल लेंगे तो हंड्रेड इंटू वन ओपन फोर क्वार्टर वन ओपन फोर कहते हैं मैंने आपको बता रखा है सो so, ये कितना आएगा ट्वेंटी फाइव पैसे तो उसने तो, कॉस्ट कितनी है पेंसिल की टू रुपीज और उसने कितने दे दिए उसे वन रुपीज फिफ्टी पैसे एंड ट्वेंटी फाइव पैसे अब इन सबको हम प्लस कर लेंगे तो टोटल वन रुपीजन रुपीज में प्लस करेंगे फिफ्टी पैसे ये पैसे है तो वन रुपीज है तो वन पॉइंट जीरो जीरो लिखा हमने जीरो जीरो पैसे है फिफ्टी पैसे है तो रुपीज में जीरो लिखा और फिफ्टी पैसे लिखे और यहाँ रुपीज में जीरो लिखा क्योंकि पैसे है पॉइंट लगा के ट्वेंटी फाइव पैसे अब इसको हमने एड किया फाइव फाइव एंड टू सेवन एंड वन तो उसने कितने पैसे दिए वन रुपीज एंड सेवन पैसे दिए जो कि किससे इज लेस देन तो इट इज नॉट एनफ टू पे अ पेंसिल उसको पेंसिल देने के लिए कितने टू रुपीज, तो रुपीज और देने पड़ेंगे पेंसिल देने के लिए पेंसिल लेने के लिए तो पेंसिल का प्राइस कितना है टू रुपीज तो टू रुपीज में से हम माइनस वन पॉइंट सेवन फाइव को अगर माइनस कर देते हैं तो कितना आता है जितने उसने दिए और जितने की पेंसिल है उसमें से हम इसका डिफरेंस निकालते हैं तो कितना आता है टू पॉइंट जीरो जीरो माइनस वन पॉइंट सेवन फाइव सो जीरो पॉइंट ट्वेंटी फाइव पैसा तो इससे हमें क्या रिजल्ट निकलता है मतलब पिछहत्तर पैसे में टू रुपीज देने के लिए उसको ट्वेंटी फाइव पैसे और देने पड़ेंगे वन सेवेंटी फाइव पैसे जो उसने दिए उस उससे उसको ट्वेंटी फाइव पैसे और एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे तब वो कितना होगा टू रुपीज होगा तो इसलिए इसका आंसर होगा इट इज नॉट टू बाय अ पेंसिल रवि हैव टू पे री पैसे मोर देन वन रुपीज सेवेंटी फाइव पैसे उसको ट्वेंटी फाइव पैसे और देने पड़ेंगे तब वो पेंसिल को परचेज कर सकता है सो स्टूडेंट्स वी हैव कंप्लीटेड अवर टूडेज टॉपिक आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड इट प्रॉपरली सो यू विल राइट डाउन दिस आंसर इन योर फेयर नोटबुक एंड send me the photos of your solution if the video is helpful to you please like and subscribe my youtube channel if you have any type of doubt you can also contact to me thank you